चंद्रबाबू नायडू जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया और यहाँ आकर के मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे और नायडू जी के बहुत गहरे संबंध रहे। क्या कर रहे हैं? बैठिए रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चंद्रबाबू नायडू जी ने हमें बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया था। उन्होंने मेरा नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन आप जानते हैं राजनीति में क्या क्या होता है, तो उसकी वजह से हम प्रधानमंत्री नहीं बने। लेकिन प्रधानमंत्री न बनने पर मुझे बहुत खुशी हुई कि आज तक लगातार हम राजनीति में उसी तरह सक्रिय हैं। और हम तीन बार चीफ मिनिस्टर भी बन चुके हैं यूपी में, अखिलेश भी बन चुका दो बार, तो आज यूपी पर पूरा कब्जा है समाजवादी पार्टी का और उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति को प्रभावित करता है। लेकिन नायडू साहब, हम बहुत आपके आभारी हैं, आपके ऋणी हैं। आपने मेरा बहुत सम्मान किया और आपने ही प्रधानमंत्री पद का मुझे नाम प्रस्तावित किया था। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, नायडू साहब ने तो मेरा बहुत सम्मान किया, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बने इसलिए आज बहुत अच्छा हो गया कि आज नेता के रूप में हम जाने जाते हैं। पूरे देश के लोग हमको सादर आमंत्रित करते हैं, जा भी रहे हैं। हम सोचते थे एक बार आंध्र प्रदेश में भी नायडू साहब के यहाँ हो आए, पहले तो हो आए थे, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आंध्र पूरा आ ही गया तो मेरा कार्यक्रम हो गया। और नायडू साहब, आप जिस तरह से संकल्प के साथ और बिना परवाह किए आप पे बहुत हमले हुए हैं पुराने तक, लेकिन आप डिगे नहीं। लेकिन एक ही मुझे खुशी है, हर संघर्ष में हम नायडू साहब का समर्थन करते थे और हम उत्तर प्रदेश में बयान दे देते थे हम नायडू साहब के साथ हैं, क्योंकि नायडू साहब ने बहुत काम किया है। ऐसा काम किया है आपको विचित्र ही हिंदुस्तान जिंदा रहते इतिहास नहीं लिखता है, मरने के बाद इतिहास लिखता है। हाँ, नायडू का इतिहास जितना लिखने लायक है आज देश में शायद ही किसी नेता का हो जिन परिस्थितियों में। और आज हमें बुलाया है, हम जानते थे कि नायडू साहब का कार्यक्रम है तो हमें बुलाएंगे जरूर, तो आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ नायडू साहब, जो भी आप कार्यक्रम करेंगे, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी हो गई है आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश से लेकर के बंगाल तक, पूरी पार्टी आपका साथ देगी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह आपके साथ देगी कोई कार्यक्रम हो। और आज आपने मुझे बुला करके जो सम्मान दिया है, इस सम्मान को मैं भूलूंगा नहीं। आज देश की हालत में आप जानते हो, महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों ने हमारी आम जनता को और विशेषकर किसानों को बहुत नुकसान किया है। इसलिए आज हम लोग किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई और जो बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं उनकी लड़ाई आज समाजवादी पार्टी लड़ रही है और चंद्रबाबू नायडू साहब भी लड़ रहे हैं। इसलिए आपसे मेरी एक ही अपील है,
आंध्र प्रदेश के भी हैं और कहीं के भी हों, चंद्रबाबू नायडू को कमज़ोर मत होने देना। अगर चंद्रबाबू नायडू का कमज़ोर हुआ तो देश की राजनीति में बहुत नुकसान होगा। हम तो हर वक्त नायडू साहब के साथ हैं, हर तरह से हैं। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन जब नायडू साहब का मुझे संदेश मिला के आना है, अपने खुद भी कहा, तो मैं सारा काम छोड़ करके, लोकसभा छोड़ करके आपके बीच आए हैं। आप लोगों से एक ही अपील हमारी है कि चंद्रबाबू नायडू का साथ देना, हर तरह से साथ देना। कि वोट तो देंगे ही, आते धरती से भी बहुत आकी रानी तो हो गई है, तो आते धरती से भी आप धन जुटा करके नायडू साहब को दीजिए, जिससे पार्टी मजबूती के साथ चला है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश के सब लोग मिल करके नायडू साहब का साथ देंगे। और हम एक ही वायदा करेंगे, लंबा भाषण नहीं, हम नायडू साहब के हर साथ हैं। आज भी हमारी बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मना किया, मैंने कहा नहीं, नायडू साहब के यहाँ जाएंगे हमारी तबीयत ठीक हो जाएंगे। इसलिए आज नायडू साहब बहुत बधाई है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपने दिल्ली में कार्यक्रम किया, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और ऐसा ये कार्यक्रम है कि देखने ना पूरे हिंदुस्तान में छपेगा, पूरे हिंदुस्तान में छपेगा। तो आप लोगों से कहना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग, अन्य लोग भी, नायडू मामूली नेता नहीं है देश के, ये ध्यान रखना। संघर्ष में अन्याय के खिलाफ, न्याय के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ, बेरोजगारों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, सब वर्गों का साथ दे रहे नायडू साहब, ये मामूली बात नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात अब की थोड़ा लंबा होगा समय, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में बुलाया मुझे आपने, नायडू साहब मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। आपके साथ पहले थे, उसी तरह साथ रहेंगे, अब ज़्यादा और रहेंगे। लेकिन आज जो संघर्ष करना है देश के सामने, वो संघर्ष आप ही करेंगे और हम करेंगे। और भी साथी हैं, जो मैं आपके बीच आया हूँ तो मैंने अपने कई साथियों के और दलों के लोगों से बात की कि नायडू साहब ने अच्छा काम कर दिया है, दिल्ली में कार्यक्रम रख दिया है, अब हम लोगों को उनके कार्यक्रम का स्वागत करना चाहिए। और नायडू साहब जो स्टेप लेंगे, जो कदम उठाएंगे, हम उनका साथ देंगे। और फिर नहीं वायदा हम करते हैं, लंबा महत्व नहीं, आप भाग्यशाली हैं आंधा के लोग, जो नायडू साहब जैसा नेता आपको मिला है। लगातार कितने वर्षों से जीत रहे हैं, लगातार कितने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, आज तक हिंदुस्तान में इतना लगातार कोई नहीं रहा जितना नायडू साहब है। तो नायडू साहब को जो जनता ने सम्मान दिया है, वो सम्मान हम भी उसी तरह का दे रहे हैं और देते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारा सद्भावना है कि नायडू साहब स्वस्थ रहें और राजनीति में सफल रहें और देश के एक नेतृत्व दें। और अब नायडू साहब से मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी कहा था, आप हिंदुस्तान के सूबों में जाइए और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश सब कुछ है, उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति को बदलता है, बनाता है। इसलिए आज मेरी अपील है कि आप अपना समय निकाल करके मुझे 10 दिन पहले बता देना, आपका हम वहाँ स्वागत करेंगे, उत्तर प्रदेश में आना। और आज यहाँ वायदा करके जा रहे हैं, नायडू साहब हर तरह से हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ, సినీ విశేషాలు, స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది. మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.